रक्षा हो चुकी है तैयार और जा रही है डांस के लिए। उनका प्रोग्राम है, स्कूल में नहीं है, कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, तो खुद से ही तैयार हो गई है और बाल बाल बना के मेकअप वगैरह करके तैयार हो गई है। बहुत सुंदर लग रही थी तो मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज की नहीं है। कैसे डांस? दो चार दिन हो गए हैं वीडियो डल नहीं पा रही थी, तो मैंने की इसमें ऐड कर देती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही थी, मैं कही कैसे डांस करना है थोड़ा सा दिखा दे, तो डांस का भी वीडियो आया है इसका। अगर रक्षा बोल देगी तो मैं थोड़ा डाल दूंगी, बाद में डाल दूंगी, अभी नहीं। तो अभी तो मना कर रही थी कि नहीं डालना मम्मी, तो मैंने की ठीक है नहीं डाल रही, तो बस अभी निकल जाएगी। बस का टाइम हो गया है, बस कहीं जा रही है। मस्त लग रही है, कुछ नहीं रहा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉक ऑफिशियल में फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उसके बाद फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली है। तो बच्चे घर पे रहते हैं तो इतना काम रहता है, एकदम बस दिमाग में वही चलता रहता है, पहले बच्चों को भेज दो उसके बाद बाकी काम करते रहो। तो आज मैंने कपड़े तो सारे धुलाई करके हैं, मतलब बेडशीट वगैरह दोनों रूम की धो दी हैं। तो अभी मैंने बिछाई नहीं थी तो बेडशीट में डाल दी है यहाँ पे। और ये गए थे मार्केट तो सब्जी फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ सबरी, निकाल के बैग में भरी रखी थी। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे लेकर आए हैं बड़ी मुश्किल से, तो अभी एप्पल वगैरह ख़त्म हुए फिर से लेकर रख दिए हैं, तो हिमांशु खाता रहता है। इधर लेकर आए थे सब्जी, तो मैंने सब्जी धो के और साफ करके पालक मूली के पत्ते वगैरह ये मैंने साफ कर दिए, बाकी सब्जियां धो के मैंने लगा दी। धनिया भी नहीं धोया मैंने, तो अभी सूख जाएंगी तो मैं फ्रिज में लगा दूंगी। अभी मैं बनाऊंगी पोहा, बनाऊंगी उसके लिए मैं कड़ी पत्ता भी तोड़ के लेके, टमाटर, नींबू, 3 प्याज हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची है, धनिया काट लेती हूँ इनको। पोहा मैंने वो करके रखे हैं भिंगो के, इनको पहले काट। तो इधर मैं बना रही हूँ पोहा, जिसके लिए मैंने सारी तैयारी करके रखी है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया, नींबू, मैंने सब साफ करके धो के रखे हैं प्लेट में। एक तरफ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, तो सुबह में मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, लेकिन 2 पराठे बचे हैं, तो मैं कभी थोड़े से पोहा बना लेती हूँ। और अभी मैंने बनाए भी नहीं है बहुत दिन से, तो मैंने कहा ये भी खा लेंगे, मन भी कर रहा था पोहा खाने का, तो मैं स्टीम वाले बनाऊंगी पोहा, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और तो यहाँ पे पोहा मैंने 10 मिनट पहले भिंगो दिए थे, और अभी पानी निकाल के और इसमें नमक, 2 चम्मच चीनी डाल के और मिला के अभी मैं छोड़ दूंगी। तो जब तक क्या बोलते हैं जो मसाले वगैरह भुंजेंगे ना, तब तक उसमें चीनी घुल जाएगी। अगर पाउडर वाली चीनी है ना, तो वही डालना है इसमें। मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है, और पैकेट ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैंने भर के भी रख दिया है उसमें। तो बस अभी इसमें मैं डाल दूंगी सौंफ, जीरा और राई, एक एक चम्मच मैंने तीनों चीज़ ले ली है, और इसमें डाल दिया मैंने कड़ी पत्ता, अभी डाल दूंगी हरी मिर्ची। थोड़ी थोड़ी पकाना है इसको, बिल्कुल एकदम जलाना नहीं है। और पका के इसमें मैं डाल दूंगी अभी हल्दी, हल्दी को भी थोड़ा सा पका लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें पानी। तो नमक वगैरह तो उसमें डला है, नमक इसमें डालना नहीं है, पानी मैंने आधा गिलास डाला है पूरा। और पोहा कितनी है, जितना पानी हम डाल सकते हैं, तो मैं तो अभी थोड़ा सा ही बना रही हूँ। अगर मैं सभी के लिए बनाती, बच्चों के टिफ़न के लिए बनाती, तो पूरा 1 गिलास पानी इसमें डल जाता। और पोहा पहले से भींगे हुए हैं, तो इनको सिर्फ मिलाना है, पकाना नहीं है। और गैस बंद करके मैंने 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था, गैस बंद करके ऐसे पानी से छोड़ देता है। पोहा को मिलाने के बाद ढक के मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला, जो पोहा मसाला 3 चम्मच भर के मैंने डाल दिया, जो छोटी चम्मच होती है वो मैंने 3 चम्मच डाल दी है। और अभी मैंने उसी में मिला दिया है मसाला, तो अभी मैं लगा देती हूँ प्लेट। तो सारी चीज़ें मैं ऊपर से डालूंगी, तो जैसे ठेले पे मिलता है ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले पोहा, तो मैं तो बनाती रहती हूँ। तो कभी कभार ना जैसे नींबू नहीं है, तो नींबू के बिना तो इसमें फिर टेस्ट आता ही नहीं है, तो नहीं बना पाती। तो अभी सारी चीज़ थी, तो मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया और नमकीन, तो नमकीन सेव वाली होती ना, तो वो और अच्छी लगती। तो जो आलू भुजिया है तो मैंने वही डाल दी। चाय भी बन गई है, तो लेके चलते हैं बाहर। और 2 पराठे ले लिए हैं बच्चों के लिए, पराठे बनाए थे, तो 2 पराठे बच गए थे, तो मैं दे देती हूँ, खाएंगे तो खा लेंगे, फली की सब्जी है। तो पोहा इतने टेस्टी बने थे, और अगर कोई वीडियो देख रहा है ना, तो ऐसे पोहा बना के ज़रूर देखना एक बार, बहुत टेस्टी बनते हैं।
तो जहाँ पे एक दीदी बगल में रहती हैं तो वो लेके आई थी सेम फली, और एक दीदी लेकर आई है सरसों का साग। तो ये जो राई होती है ना बारीक वाली, उसी का साग है। तो मैं देखती हूँ बाद में बनाऊंगी। और आज घर में सब्जी ही सब्जियां दिखाई दे रही हैं हरी हरी, तो दोनों टाइम बना बना के खत्म करना पड़ेंगे जो हरी हरी सब्जियां हैं। तो वह यहाँ पे बेडशीट रह रही थी तो वो मैंने सही कर दी है, और ये तो मैंने कल चेंज की थी वाली रूम की। तो इधर मैंने पानी चढ़ा दिया चावल के लिए, चावल भी बना ले रही हूँ क्योंकि टाइम मुझे काफ़ी हो गया था। तो अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, तो मैंने थोड़ा अपना वीडियो का काम भी किया था बीच में। तो यहाँ पे पोहा बच गए थे तो मैंने इसमें प्याज टमाटर धनिया जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मिक्स करके और टिफ़िन में भर के रख दी है, तो बच्चे खा लेंगे आके। इधर बर्तन हो गए थे, अभी नाश्ते के ही बर्तन है तो इनने सबसे पहले निपटा देती हूँ। दाल भी चढ़ा दी है मैंने बनने के लिए, तो ये बोल रहे दाल चावल बना लेना, बच्चे भी नहीं खाएंगे क्योंकि पराठा सब्जी लेकर गए हैं। अगर मैं पालक या वो बनाती तो वो सूखी सूखी बनती ना, तो इस वजह से फिर मैंने दाल बना ली है। तो मैं कल देख लूँगी, कल बना लूँगी या शाम को बना लूँगी खा सब्जी। तो जहाँ पे बर्तन धुल गए हैं और सिंक भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है हाथ के हाथ, तो सिंक तो 10 बार जितनी बार बर्तन धुलते हैं उतनी बार साफ होता रहता है। तो कपड़े सूख गए थे तो कपड़े मैं उठा के लेकर आ गई हूँ क्योंकि ड्राई करे हुए कपड़े हैं। जो वाली बेडशीट मैंने दीपावली से 3 बार धुल चुकी है, लेकिन क्या करते हैं जैसे मैं उठा के लेके आती हूँ ना उसी बेडशीट को, कहीं तो हिमांशु बिछा देता था, कहीं रक्षा बिछा देती थी। क्यों उनको क्या है, मैं कभी कभार क्या करती हूँ जैसे धोने के लिए ले तो लेती हूँ लेकिन बिछाती मैं बाद में हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो वह यहाँ पर चावल बन गए हैं टेबल पर रख देती हूँ, दाल भी बॉयल हो चुकी है और बस अभी मैं तड़का लगा देती हूँ दाल में। सबसे पहले मैंने देखो तेल डाल दिया इसमें कढ़ाई में, लेकिन मैंने उसको हटा के और मैंने दूसरी कढ़ाई में बेसन भूनने के लिए रख दिया। मैं कह रही पहले बेसन भून ले रही, तो मैं बेसन वाली मिर्ची बनाऊंगी जैसे भरमा तलूंगी, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो वो लेकर आए थे तो बोले मैंने आधी ले ली है उसमें से, मैं कह रही जितना बेसन भून रहा है उसमें भरेंगी इतनी बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन में डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल, जीरा, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। बेसन को भून के और मैंने रख दिया है, और अभी मैंने जहाँ पे लगा दिया तड़का दाल के लिए प्याज हरी मिर्ची और हींग जीरे का। तो वैसे तो प्याज वगैरह हो गया था, टमाटर डाल दिया है ऊपर से, टमाटर गल गया है। उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए सूखे मसाले, और बस अभी मैं डाल दूँगी इसमें दाल जो बना कर रखी है। मैं मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ, बहुत टेस्टी दाल बनती है जवाली। वैसे तो बोल रहे थे कि तड़का लगा दे ऊपर से घी का, हींग जीरे का, बाकी मसाले मसाले कुछ मंडाल, मैंने कि ऐसे नहीं अच्छी लगती। तो बस फिर मैंने मसाले वाले बना दिए, और अभी ऊपर से मैं तड़का लगाऊंगी लहसुन और हींग जीरे का। मैंने लहसुन नहीं डाला है अभी उसमें, मैं करीब बाद में तड़का लगा दूंगी। तो जहाँ पे जो बेसन मैंने भून के रखा था मिर्ची काट के और भर दी है, और ये अभी एक साइड में इसको रख दे रही हूँ पकने के लिए। तो धीमी आंच कर दूंगी, बीच बीच में बंद भी कर दूंगी, नहीं तो फिर क्या है ना बेसन जल जाता है, तो बेसन को जलाना नहीं है। तो जहाँ पे दाल भी पक चुकी थी तो अच्छे से बॉल आ गया था दाल में, बढ़िया पक गई है। और अभी मैं लगा दूंगी इसमें लहसुन और हींग का तड़का, ऊपर से डाल दूंगी हरा धनिया। तो जहाँ पे मैंने घी ले ली थी और 2 चम्मच घी ले लिया था, उसमें मैंने लहसुन और हींग डाल दिए, तो हींग और लहसुन का मैंने तड़का लगा दिया। तो बस अभी दाल भी बन गई है, मिर्ची भी हमारी बनने वाली है, मैंने बीच बीच में उसको बंद कर करके पका दी थी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल बेसन जला नहीं है। तो ऐसे ही अगर बेसन नहीं चलेगा ना तो ही टेस्टी लगती है, नहीं तो फिर बिल्कुल कड़वा कड़वापन लगता है इसमें। बहुत ही टेस्टी बनी थी मिर्ची, खाना बनके कंप्लीट हो गया है, रोटी बनाना नहीं थी। तो जब रोटी नहीं रहती ना तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे वही चावल, बच्चे भी आ चुके हैं इसी बीच, खाना मेरा बना जैसे बच्चे भी आ चुके थे। तो अभी मैं लगा देती हूँ सभी के लिए प्लेट, और हिमांशु को मैं दे चुकी हूँ। तो जहाँ पर रक्षा, मैं और हम 3 जने रह गए हैं, हिमांशु को मैंने पहले ही दे दिया था कुरके, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो नहीं करने देता, फिर वीडियो वीडियो का काम नहीं हो पाता, तो मैं उसको पहले ही दे दिया क्योंकि उसका टाइम हो जाता है, कोचिंग निकलता है ना फिर जल्दी जल्दी उसको खाना पड़ता है, तो मैं उसको प्लेट लगा के पहले ही दे देती हूँ। स्कूल का टाइम दोनों का चेंज हो गया है, कोचिंग का टाइम सेम है, तो हिमांशु का तो तुरंत टाइम हो जाता है, जैसे ही खाना खा के फ्री होता है तुरंत निकल जाता है कोचिंग। तो अभी दिन भी छोटे होने लगे हैं, और अभी 2:30 बजे आते हैं 3 बजे तक, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट वैसे हो जाती है उनको। तो बस अभी खाना खा के मैं सीधा लग गई थी अपने साफ सफाई में।
तो अभी मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन काम में निकल जाता है। और अभी एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो भी डालती हूँ, तो मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ जिस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि काम के टाइम पे तो मतलब काम करने ही पड़ते हैं। और जब मेरा टाइम होता है, जब उस टाइम पे मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ, उसमें भी मुझे 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो जब मैं फ्री होती हूँ, बिल्कुल जब मैं करती हूँ, तो बर्तन मैंने पहले ही निपटा दिए थे, खाना खा के तुरंत मैंने बर्तन धो दिए थे। उसके बाद अभी मैंने किचन की सफाई कर दी है, तो मैं बर्तन पहले ही धो देती हूँ, किचन को साफ कर मतलब करती हूँ उससे पहले धो देती हूँ, नहीं तो फिर पानी पानी हो जाता है नीचे। तो अभी मैंने कुछ सोचा है किचन के लिए, वो मैं बाद में बताऊँगी वीडियो में। तो बस यहाँ पे किचन पूरी अच्छे से साफ कर दी है, सामान पूरा सेट कर दिया है, और जो रैक लगाया उसमें भी मैंने सामान थोड़ा बहुत डाल दिया है। अभी अच्छे से नहीं लगाया मगर ऐसे भर दिया है, अभी बाद में दिखाऊँगी। तो भी मैं लगा दूंगी बर्तन। तो जहाँ पे जो पाइप मंगाया है मैंने गैस के लिए, क्योंकि वो पाइप टूट गया है मेरा जो है ना, वो मतलब कट गया है बीच बीच में से, मैं करी इसको चेंज कर दूँ, बहुत दिन हो गए इसको। तो जहाँ पे अभी मैं लगा देती हूँ बर्तन, और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, और वीडियो का भी मैं एंड कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और चलिए दोस्तों बाय।